दोस्तों, अगर आपकी बाइक या स्कूटर में ज़्यादा पीछे से झटके से आपको महसूस हो रहे हैं, ज़्यादा जंप में आपको झटके से लग रहे हैं, तो इस वीडियो में यही सब बताने वाला हूँ कि कैसे अपनी बाइक में सोकर को अपने हिसाब से जितना आप चाहते हैं वैसे आप उसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास है TVS जुपिटर BF6 मॉडल और उसमें ये कंपनी ने एडजस्टेबल दे दिया है सोकर। पहले जो मॉडल आता था पुराने वाला उसमें ये चीज़ नहीं थी। और आपके पास भी अगर कोई बाइक है या स्कूटर भी है और किसी भी कंपनी का बाइक या स्कूटर है उसमें अगर सोकर एडजस्टेबल है तो आप उसको कर सकते हैं। और बहुत सी बाइकों में, बहुत से स्कूटर में आती है ये चीज़, फिलहाल जुपिटर में पहले नहीं था और अब ये एडजस्टेबल सोकर दे दिया है। और सबसे अच्छी बात ये है इसमें कि आप अपने सिर्फ हाथों से ही कर सकते हैं, आपको किसी भी टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो ये मैं आपको इस वीडियो में यही सब समझाने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये वाला है पुराना मॉडल और इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है और इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप जो नई स्कूटर आया है अभी BF6 उसमें आप कर सकते हैं। तो ये है BF6 मॉडल और इसमें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा झटके से महसूस होते हैं तो आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं, ये लो पकड़ो। अगर आपको ज़्यादा झटके महसूस होते हैं तो आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ पे ये स्प्रिंग लूज हो जाता है तो इस पर ज़्यादा झटके महसूस नहीं होंगे। और अगर आपको ज़्यादा सामान लादना है या फिर 2 या 3 सवारी लादते हैं आप बैठाते हैं तो आपको इसको इधर करना होगा, इसको यहाँ पे, और यह है इसका लास्ट पॉइंट। यहाँ पे आप जितना मर्जी सामान लाद सकते हैं और या इस पर 2 या 3 सवारी बिठा सकते हैं। और यहाँ पे आपको, अगर यहाँ पे आप सामान नहीं लाते हैं या सिंगल सवारी चलाते हैं आप, तो इसमें आपको झटके ज़्यादा महसूस होंगे। और अगर आपको सिंगल सवारी सिर्फ चलानी है तो आप मेरे हिसाब से यहाँ पे रखिए, यहाँ पे आपको ज़्यादा झटके महसूस नहीं होंगे। और आप बिल्कुल इसको यहाँ पे करेंगे तो चाहे आप सामान ला दिए, चाहे आप इस पर 2 या 3 सवारी बिठाइए, तो यहाँ पे अच्छी तरह से ये रहेगा। तो बस मैं आपको यही बता देता हूँ कि इसमें अगर आप सिंगल पे चलाते हैं तो यहाँ पे रखिए, अगर आप सामान लाते हैं तो आप बिल्कुल इसको यहाँ पे कर दीजिए। और वैसे इसकी जो नॉर्मल सेटिंग है वो यहाँ पे है, यहाँ पे आप चाहे सिंगल सवारी चलाएं या फिर 2 भी बिठा सकते हैं। तो ये उसमें भी दिखा दो, वो भी नॉर्मल यहाँ पे है, तो ये है यहाँ पे नॉर्मल। तो आशा करता हूँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।